मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले 9 महीने में चौथी बार शहर पहुंचे। नवग्रह मेला मैदान पर आयोजित सभा में उन्होंने करीब 3500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास किए, जिसमें मुख्य रूप से नवग्रह लोक, देवी अहिल्या लोक और मेडिकल कॉलेज की सौगात शामिल है। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि मुझे पद की लालच नहीं है, मैं केवल जनता की सेवा करना चाहता हूं। जनता की जिंदगी बदलने में कोई कमी ना आए, इसके लिए जनता को चुनाव लड़ना होगा और फिर भाजपा मामा और पीएम पर विश्वास जताना होगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ रोने वाले मुख्यमंत्री सरकार बनने पर कहते थे पैसे की कमी है, लेकिन मैं पैसे की कमी का रोना नहीं रोता। सीएम ने कहा कि लाडली बहनों की जिंदगी बदल गई है, अब सब सम्मान से बात करते हैं। सीएम ने करीब 45 मिनट के संबोधन में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं गिनाते हुए जनता से चुनाव में समर्थन मांगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। और इसलिए बहनों और भाइयों, कई तरह की योजना बनी। आज मेरे किसान भाइयों, जिन्होंने भीतर का वर्ग से आए हैं, उस समय में आया था बात बिल्कुल, और मैंने कहा था ये सिंचाई योजना मैं बनाऊंगा। आज मैं वो पैसा लेके आया, तो चिंता मत करना, मैं करूंगा। मैं काय करें मुख्यमंत्री, रोने के लिए मुख्यमंत्री नहीं, मैं क्या करूं? अरे मैं करूंगा इसलिए मुख्यमंत्री, आपकी जिंदगी बदलने के लिए मुख्यमंत्री, जनता की सुविधा बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री। मेरा जन्म हुआ है मध्य प्रदेश की भूमि के पूजन और अपनी जनता की सेवा के लिए। मेरे बहनों भाइयों, आपकी सेवा के लिए मैं आपके लिए मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं तो आपके परिवार का हिस्सा हूं। आप बताना मेरे बहनों और भाइयों, दिल से बताना, मैं भाव तो नहीं दे रहा, मैं तो बात कर रहा हूं। आप बैठिए बैठिए, देखो भाई, सरकारी कर्मचारी मित्रों के लिए मैंने कोई घोषणा नहीं की, लेकिन जनता दिक्कत में है और सर्वे करना है, तो सर्वे में कोई लापरवाही मत करना, तत्परता के साथ सर्वे करो ताकि मैं जनता को राहत की राशि दे सकूं। आप चिंता मत करना, मिलकर हर संकट से निपटेंगे, आपकी जिंदगी कैसे सुखी और बेहतर रहे, इसलिए मैं मुख्यमंत्री हूं भाई। और इसलिए एक बार फसल भी खराब हुई तो भी चिंता मत करना, मामा है, जिंदा है। लालच काय को दे रहा हूं, इसलिए जिस लालच में पढ़े, मामा से स्कूटी लेके पढ़ो रे, मामा से लैपटॉप लेके पढ़ो रे, इस बहाने बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। सही बात है कि नहीं बता, अच्छी पढ़ाई हो जाएगी तो तुम्हारे बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर बने ना भाई, अगर बुद्धि है तो बनना चाहिए। और पैसे की चिंता मत करना, सुन लेना भाई भी और बहन भी, अपने बच्चों का एडमिशन अच्छी पढ़ाई के कारण, अगर उनका डॉक्टरी वाले कॉलेज में, आपको यही खुला मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में और बड़े कॉलेज में हुआ तो फीस बहुत ज्यादा रहती है। अरे मेडिकल कॉलेज की प्राइवेट की फीस रहती है 12-13 लाख रुपया साल, अब गरीब तो नहीं दे सकते, कि दे सकता है, किसान भी नहीं दे सकते। और इसलिए मैंने तय किया है, सुनना ध्यान से, कोई चिंता मत करना, उन बच्चों की फीस माता पिता नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा, जोर से बोलो, मामा मैं पढ़ाऊंगा ना मेरे बच्चों को, मैं पढ़ाऊंगा, काय को चिंता करते, ताकि पढ़ के वो आगे बढ़ सके। मेरे भाइयों बहनों, मुझे कोई पद का लालच नहीं है, मैं इसलिए सरकार चला, अगर ये हाड़ मास मेरा तुम्हारे काम आ जाए, बच्चों के काम आ जाए, तो मेरी जिंदगी सफल हो जाए, बस इसके लिए मैं काम कर रहा हूं और कोई लालच नहीं। आओ मिलते हम सब मिले, एक नया मध्य प्रदेश बनाए, ना कोई भूखा ना, ना कोई दुखी ना, जो जरूरी चीजें सबके लिए होता है उसके लिए मैं काम कर रहा हूं, और उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मुझे आप सबका साथ चाहिए, आप सबका साथ चाहिए, मुझे सबका साथ मिलेगा, बोलो, अरे सबका साथ मिलेगा। देखो कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी,
पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी भलाई की बात कर रहा हूं। जो आपका भला करे उसको वोट देना चाहिए कि जो आपको लूटे उसको वोट देना चाहिए? अरे जोर से बताओ, जो भला करे उसको वोट देना चाहिए कि नहीं? तो जब मैं जी जान से लगा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी है, पीएम साहब का भी आशीर्वाद है, तो फिर से भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहिए कि नहीं? सब बताएं जीतना चाहिए कि नहीं? इधर भाई भी बताएं जीतना चाहिए कि नहीं? तो मैं कह रहा हूं छोड़ दो पार्टी लाइन और कहो जिसने हमारा काम किया हम उसके साथ रहेंगे। ऐसा बना दो इस चुनाव को कि जनता ही लड़े, कि हम लड़ेंगे और हमारी सरकार बनेगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।